हाउ यू कैन अप्लाई मेकअप, मेकअप कैसे लगाना है। इस टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि हमें कैसे प्रोडक्ट्स, कैसी स्किन टाइप के लिए लेने चाहिए, हमारी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कैसा प्रोडक्ट ले, क्या ले। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही चीजें एक्सप्लेन किया कि कैसी स्किन टाइप के लिए कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, और मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करते हुए। सिर्फ गाइस आर इंटरेस्टेड इन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू लीव दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बना देना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन माई टिकटॉक अकाउंट। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप स्टार्ट करने से सबसे पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू योर CTM रूटीन, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजर से आप अपने फेस को क्लेंज करो, देन टोनर अप्लाई करो ताकि आपके पोर्स टाइट हो जाए, एंड देन अप्लाई योर मॉइस्चराइजर। नो मैटर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड आपके फेस और मेकअप के बीच में एक बैरियर बना देता है ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो केमिकल से। देन हम अप्लाई करते हैं प्राइमर। प्राइमर हमेशा स्किन टाइप के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपका फेस मैट रहे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई भी ऑयल बेस्ड प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये है, दिस इज अ फेशियल ऑयल बाय नायका, इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा प्राइमर की तरह काम करेगा। या फिर और भी हाइड्रेटिंग प्राइमर्स भी आते हैं मार्केट में, वो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप अपने प्राइमर्स को लेयर भी कर सकते हो। अगर जैसे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है स्किन में, मेरी ड्राई स्किन है और मेरे स्किन के ऊपर पोर्स है, तो मैंने पहले अपने फेस के ऊपर ये फेशियल ऑयल अप्लाई कर लिया। अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लरिंग प्राइमर जिससे कि मेरे पोर्स जो है वो ब्लर हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे और फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई होगा। तो फॉर ब्लरिंग प्राइमर आई एम गोना अप्लाई दिस, दिस इज द शुगर कॉस्मेटिक्स मोस्ट एलर्जी ब्लर प्राइमर। ये मेरे पोर्स को ब्लर आउट कर देगा। वैसे प्राइमर हमेशा आपके स्किन इश्यू के हिसाब से ही अप्लाई होगा। मेकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किन प्रेप होता है, तो प्राइमर को जैसे यहाँ पे मेरे पोर्स हैं तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करूंगी तो उससे मेरे पोर्स जो है वो फिल हो जाएंगे, एंड जो भी लेफ्ट ओवर है उसको जस्ट आप अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर लो इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप इज टू कलर करेक्ट योर फेस। जो भी आपके स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स है, लाइक मेरे एक्ने स्पॉट्स है, या फिर अगर आपकी पिगमेंटेशन भी है, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा डार्क है, थोड़े से ब्लैकनेस में आ जाती है पिगमेंटेशन या फिर स्पॉट्स, तो आपको ऑरेंज या फिर पीच कलर का करेक्टर अप्लाई करना है। और अगर आपकी बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो फिर आप अपनी स्किन टोन से एक टोन डार्क कंसीलर लेके आप उससे भी करेक्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पीच टोन ही लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्पॉट्स हैं बट बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी स्किन टोन से वन टोन अगर मैं डार्क कंसीलर भी लूंगी उससे भी वो हाइड हो जाएगा। एंड हल्की सी यहाँ पे भी पिगमेंटेशन है एंड अंडर आइज के ऊपर। अब आप अपने कंसीलर को या फिर कलर करेक्टर को ब्रश की हेल्प से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लो। स्वाइप नहीं करना है, जहां पे अप्लाई किया जस्ट वहीं पे ही उसको ब्लेंड करना है ताकि वो फेस के दूसरे पार्ट्स पे ना जाए जहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फाउंडेशन के लिए अगेन फाउंडेशन भी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से ही होगा। सो फाउंडेशन के इश्यूज भी यही होते हैं कि फाउंडेशन फटने लगता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, या फिर आपके फेस से रिमूव हो जाता है और या तो ड्राई पैचेस बन जाते हैं। वो भी इसीलिए होता है कि हम फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं ले रहे हैं या फिर अपनी स्किन टोन के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। तो फाउंडेशन भी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लेना है, और अगर ऑयली स्किन है तो मैटिफाइंग फाउंडेशन लेना है। नाउ मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ये मिलानी का कंसील एंड पफर फाउंडेशन ले रही हूँ। बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये, हाई कवरेज का है। आप बिगिनर हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे ही फाउंडेशन को अप्लाई करो डॉट करके अपने फेस के ऊपर, ताकि वो आपके सारे फेस पे इवनली स्प्रेड हो जाए। सबसे पहले मैं अपने नेक के ऊपर अप्लाई कर लूंगी ताकि वो एरिया बाद में रह ना जाए। अगेन मैं डैबिंग मोशन में ही इसको अप्लाई करूंगी क्योंकि मैंने नीचे कंसीलर अप्लाई किया हुआ है, तो अगर मैं स्वाइप करूंगी तो मेरा कंसीलर मूव हो जाएगा। तो जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने अंडर आई एरिया पे ज्यादा प्रोडक्ट ना अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे हमने अभी कंसीलर भी अप्लाई करे हैं और हाइलाइटिंग कंसीलर भी अप्लाई करने हैं, तो वो एरिया ज्यादा क्रीज होने लग जाता है। सो नाउ हम अपने फेस को हाईलाइट करेंगे। पहला कंसीलर मेरी स्किन टोन से डार्क था, अब ये वाला कंसीलर मेरी स्किन टोन से लाइट होगा। एक 1-2 टोन्स ही आपको लाइट लेना है, ज्यादा लाइट भी नहीं लेना है। सो दिस इज अगेन मेबरिन फिट मी इन द शेड 15 और ये वाला था इन द शेड 25। अंडर आईज के ऊपर अप्लाई करने के लिए गो इन ट्रायंगुलर शेप। आप देख सकते हो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे फॉरहेड के ऊपर, क्योंकि ये हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर, स्ट्रक्चर दे रहे हैं अपने फेस को,
तो जो भी हमारे फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पे अप्लाई करेंगे, नोज के टिप पे एकदम ब्रिज ऑफ योर नोज पे इस तरीके से। एंड अगेन अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी नहीं पसंद है तो फिर आप इस तरीके से अपने कॉन्टोर के नीचे अप्लाई कर लो, क्योंकि ये एरिया अगर लिफ्टेड लगेगा तो ये एरिया की अपने आप इल्यूजन आएगी कि आपके चीक बोन चिजल्ड है। सेम ब्रश को लेके मैं क्लीन कर लूंगी एंड देन डैबिंग मोशन में इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। ऑलवेज गोइंग डैबिंग मोशन, आपको स्वाइप नहीं करना है। तो फेस हाईलाइट हो चुका है बहुत ही अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्विकली उसको सेट कर लो ताकि आपका कंसीलर क्रीज होना ना स्टार्ट हो जाए, स्पेशली अंडर आई एरिया पे, क्योंकि वहां पे फाइन लाइंस होती है तो कंसीलर वहां पे सेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर। नाउ अगेन आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही पाउडर यूज करना। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको अपने फेस को बेक करना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जस्ट नॉर्मली डस्ट ऑफ कर लो पाउडर, आपका फेस सेट हो जाएगा। मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का मास्टर फिक्स पाउडर, बहुत ही अच्छा है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। तो वीडियो में दिखाने के लिए मैं आज बेकिंग करूंगी, बट जनरली मैं नहीं करती हूँ बेकिंग क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बेकिंग के लिए आपको बहुत सारा प्रोडक्ट अपने ब्रश के ऊपर लेना है एंड मेक श्योर कि आपके क्रीसेस नहीं बने हुए हैं। अगर बने हैं तो आप फटाफट से पहले इसको ब्लेंड कर लेना पाउडर अप्लाई करने से पहले। तो इसको हम ऐसे ही अपने फेस के ऊपर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पाउडर अच्छे से सेट हो जाए फेस के ऊपर। तब तक हम अपनी आईब्रोज को फिल कर लेंगे। नाउ अगेन यू कैन फिल योर आईब्रोज विद अ पेंसिल, और आप पाउडर से भी यूज फिल कर सकते हो, अपनी आई शैडो से भी फिल कर सकते हो। आईब्रो फिल करने के लिए मेक श्योर कि पीछे की तरफ से आप उसको डार्क रखो, आगे की तरफ से लाइट रखो। सो आई एम जस्ट गोना डस्ट ऑफ दिस बेकिंग। सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपका आई लुक बहुत ज्यादा बोल्ड है तो आपको लिप्स न्यूड रखने हैं या फिर बहुत ही लाइट कलर अप्लाई करना है। एंड अगर आपका आई लुक थोड़ा सा सिंपल है, सटल है, तो आप अपनी लिप्स बोल्ड रख लो तो ही अच्छा लगता है। अगर एक बैलेंस होता है, दोनों चीजें बोल्ड अच्छी नहीं लगती है। सो आई लुक के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे की एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट। दिस इज इन द शेड पिंक पैराडाइज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो मैं एक बहुत ही सिंपल और इजी सा आई लुक क्रिएट करूंगी जो कि हर कोई अचीव कर पाए। तो सबसे पहले आपको अपनी क्रीज डिफाइन करनी है, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला कलर एंड मैं यूज कर रही हूँ फॉक्युलर का ब्रश। ये सेट आया था पूरा, काफी अच्छे ब्रशेज है एंड ये मैंने purple.com से परचेज किया था। सो आपको पिक करके एक्स्ट्रा निकाल देना है ताकि आपके फेस के ऊपर ना गिरे प्रोडक्ट। एंड देन आपको इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करना है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। ये जो आपका ये एरिया होता है आईलिड के ऊपर का एरिया, यहाँ पे आपको ये कलर को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमेशा मैट कलर्स ही जाते हैं, मेटालिक कलर्स को आप यहाँ पे ना अप्लाई करें। तो पहले आपको ऐसे अप्लाई करना है एंड देन यू कैन जस्ट कनेक्ट इट टू योर आईलिड। सो जो ब्रश मैंने प्रीवियसली यूज किया था इस ब्रश से थोड़ा सा छोटा ब्रश लूंगी मैं इस बार। नाउ क्रीज के लिए मैं पिक करूंगी ये थोड़ा सा डार्क कलर, ये वाला। तो पहले मैंने ये वाला लिया था, नाउ मैं ये वाला ले रही हूँ उससे थोड़ा सा डार्क। एंड देन मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी, हल्की सी एक डेप्थ आ जाएगी मेरी क्रीज में। आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस कलर ऑन ऑल ओवर माई आईलिड, सारी आईलिड के ऊपर मैं ये प्यारा सा पर्पल लाइलैक सा कलर अप्लाई करूंगी। सो बिकॉज दिस इज अ मेटालिक कलर तो फिंगर से ही ज्यादा अच्छे से अप्लाई होगा, तो क्योंकि ये वाली में मेरा नेल नहीं है तो इसलिए मैं उल्टे हाथ वाला यूज कर रही हूँ। मैं जस्ट एजेस से इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी। दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। नाउ लोअर लैश लाइन के लिए इट्स अप टू यू, आपको काजल अप्लाई करना आप कर सकते हो, आईलाइनर अप्लाई करना आप कर सकते हो, मुझ पे पर्सनली नहीं सूट करता है। तो फिर मैं जस्ट एक कोई भी आई शेडो लेके लाइक ये वाला या फिर ये वाला या फिर दोनों को मिक्स करके मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूंगी एंड दैट्स इट। रिपीट द सेम ऑन दिस आई नाउ। ओके गाइस, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द मस्कारा। अगर आपको फॉल्स आईलैशेस वेयर करनी है आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं आती है तो आप सिर्फ मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो, बट फॉल्स आईलैशेस से ट्रस्ट मी बहुत ही डिफरेंट लुक हो जाती है, तो आप सीख लो अगर आपको नहीं आती है तो। सो मस्कारा अप्लाई कर लिया है, नाउ मैं फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई करूंगी। अगर आपको करनी है आप कर लो, अगर आपको नहीं करनी है आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी है दैट हाउ टू वेयर फॉल्स आईलैशेस, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। नाउ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आईलाइनर और काजल नहीं अप्लाई किया है, आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो, मेरे ऊपर सूट नहीं करता है इसलिए मैं नहीं अप्लाई करती हूँ।
यू कैन नोटिस द डिफरेंस कि ये आई कितनी ब्लैंक लग रही है और ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. अब ब्लश की बारी है. एज आई सेड इन अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो कि हमेशा आई मेकअप करने के बाद हमको आइडिया होता है कि हमें ब्लश कैसा अप्लाई करना है. सो अगर मैं इस आई लुक के साथ कुछ इस तरीके का ब्लश अप्लाई करूंगी जो कि बहुत ही वाइब्रेंट बार्बी डॉल पिंक सा है तो बहुत ही गुलाबो सा लुक हो जाएगा, बहुत ज्यादा पिंकी पिंकी सा हो जाएगा. बट अगर मैं कुछ ऐसा अप्लाई करूंगी, ये काफी म्यूटेड सा न्यूट्रल सी टोन है. दिस इज बाय लैक्मे 925 प्योर रूज ब्लशर एंड दिस इज इन द शेड न्यूट फ्लश. तो ये काफी न्यूट्रल सा ब्लश है. अगर मैं ये वाला अप्लाई करूंगी लैक्मे वाला तो इस लुक के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा. बट अगर मैं ये अप्लाई करती हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश तो ये काफी पिंकी पिंकी सा हो जाएगा फेस. तो इसीलिए मैं ये वाला अप्लाई करूंगी. तो इससे तो आई मेकअप करने के बाद जब आप ब्लश अप्लाई करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको कैसी टोन अप्लाई करनी है. आपने नोटिस किया होगा कि अभी मैंने बहुत सारा ब्लश अप्लाई किया है. दैट इज बिकॉज ब्लशेस टाइम के साथ सेट हो जाते हैं, स्किन में थोड़े से फेड हो जाते हैं. तो अभी जब ये स्किन में सेट होगा तो एकदम सटल और नेचुरल हो जाएगा. सो आई एम गोना जस्ट गिव इट अ लिटिल टाइम टू सेट इनटू माय स्किन. तब तक मैं हाईलाइटर अप्लाई करूंगी. काम गया. सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ही है. दिस इज इन द शेड ब्लॉसम ग्लो. पिंकी सी टोन है इसके ग्लो की तो काफी मेरा लुक के साथ काफी अच्छा लगेगा ये. नाउ हाईलाइट, हाउ टू अप्लाई हाईलाइटर, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है रिसेंटली. इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आ जाएगा, आप देख लेना. सो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आपको हाईलाइटर अप्लाई करना होता है. डिटेल वीडियो इस वीडियो के एंड में आ जाएगी तो आप वो वीडियो देख लेना. ओके गाइस, सो फॉर माय लिपस्टिक मैं बहुत ही सटल पिंक रखूंगी क्योंकि मेरा फेस काफी ज्यादा बोल्ड लग रहा है मुझे. सो दिस इज द फ्रीडम मेकअप लिपस्टिक. ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट पिंक कलर है, पिंकी न्यूड कलर है एंड दिस इज इन द शेड विस्पर्स. काफी प्यारा कलर है ये. सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको मेरा लुक पसंद आया तो ये वाली इमोजी मत भूलना बनाना कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.